हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि पूजा लूथरा फैमिली के सभी लोग, यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेल, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हेलो, आई एम पूजा एंड आई क्रिएट वीडियोज़ रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी एंड वेलनेस। और आप भी मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मेरी फैमिली में आपका स्वागत है। वेल, आज हम बात करने वाले हैं एजिंग साइंस की, जो कि दिखते हैं ड्रूपी लिप्स से। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो लिप्स का कॉर्नर होता है वो सैग करने लगता है नीचे की तरफ, और नेजोलेबियल फोल्ड या स्माइल लाइन या लाफ लाइन जिसे हम कहते हैं, वो एक क्रीज से दिखने लगती है यहाँ पर। और ये जो आपकी स्किन है बिल्कुल नीचे 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 झलकती जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ा बल्की सा एरिया बन जाता है और आपके फेस की जो शेप है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो ये सब ना हो उसके लिए आज बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग रूटीन आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कुछ फेस एक्सरसाइजेस और फेस मसाजेस के बारे में, जिससे आप अपने लोअर फेस के एरिया को टाइट कर सकते हो और लिप्स को कैसे प्लम्प रखना है, कैसे उन्हें रिंकल फ्री रखना है, उनकी ड्राइनेस से बचाना है और लिप्स काले ना हो और आपके लिप्स की सुंदरता हमेशा बनी रहे, वो आपको बताऊंगी। और थर्ड थिंग बताने वाली हूँ हैंड योगा पोस्चर्स, जो कि फॉरएवर यूथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बताते हैं फेस योगा एंड फेस एक्सरसाइजेस के बारे में। तो कोई भी ऑयल या क्रीम अपने हाथ में लीजिए और दो तीन ड्रॉप्स ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और ऑयल को हाथ में लेकर के इस तरह से आप वॉर्म कर लीजिए हाथों में ही, और अपने फेस के लोअर एरिया पर यहाँ 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 और यहाँ इस तरीके से आप अप्लाई कर लीजिए। शुरू करते हैं लाफ लाइंस या नेजोलेबियल फोल्ड्स को दूर करने के लिए फेस योगा, फेस एक्सरसाइज, और साथ ही साथ ये एक्सरसाइजेज आपके लिप्स के कॉर्नर्स को सैग होने से बचाएंगी, लिप्स को प्लम्पी बनाएंगी, सॉफ्ट बनाएंगी। तो आपकी जो फेस का लोअर एरिया होता है, चीक्स के नीचे का एरिया होता है, उसकी जो मसल्स होती है ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है कान के जस्ट पीछे, और इस तरीके से नीचे की तरफ आपने लाना है ऐसे, राइट। इस तरीके से इसे हम स्टिमुलेट करेंगे। सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके नोज के दोनों साइड्स पर है, यहाँ पर इस एरिया को हम हल्का 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 इस तरीके से विगल करेंगे, ताकि अगर इस एरिया में कोई स्ट्रेस या टेंशन है तो वो रिलीज हो जाए। और अब हम करेंगे पिंचिंग, जहाँ पर हमारी लाफ लाइंस बनती हैं, ये देखिए यहाँ नोज से शुरू होती हैं और ये नीचे की तरफ आती हैं, तो इस एरिया पर हम हल्के हल्के हाथों से पिंचिंग करेंगे, स्किन को इस तरीके से उठा करके हल्के हल्के हाथों से पिंचिंग करेंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ की स्किन टाइटन अप होगी। ऐसा आपको 7 to 8 टाइम करना है। फेस के दोनों साइड्स करेंगे, इस साइड्स भी ऐसे ऐसे करेंगे पिंचिंग। हमारी फेशियल एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ का जो फैट जो नीचे की तरफ मूव हो रहा है उसको इंटैक्ट करना, ताकि यहाँ नेजोलेबियल फोल्ड्स ना पड़े। तो हम पहले यहाँ दबाएंगे, फिर चीक बोन के नीचे हल्का सा प्रेशर देंगे, फिर थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से स्किन को स्ट्रेच करते हुए टाइटन अप करेंगे। पहले यहाँ, फिर यहाँ, 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 पूरा एक यू बनेगा। आप देखेंगे यहाँ आपकी जो चीक बोन है, जो बोनी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे नीचे से होते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है ऐसे, और यहाँ स्ट्रेच करना है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करेंगे और स्किन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे ऐसे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 1-2 सेकेंड्स के लिए और रिलीज करेंगे। फिर से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। इससे आपके अंडर आई बैग्स भी दूर होते हैं, आई रिंकल्स भी दूर होते हैं,
और पूरे फेस की शेप जो है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन एकदम से अपलिफ्टेड फील होती है। अब हम अपने लिप्स के कॉर्नर पर इस तरह से फिंगर्स रखेंगे और ए एंड ओ बनाएंगे, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, ऐसा आप 10 times करेंगे। इससे आपकी जो लिप्स हैं उनके कॉर्नर्स इंटैक्ट रहेंगे, ड्रूप नहीं करेंगे। और अब बनाएंगे फिश पोज। तो इस तरह से ये फेस एक्सरसाइजेस कीजिए और आपके लिप्स जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे बढ़ती एज के साथ भी। साथ ही साथ लिप केयर करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। लिप्स में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं जो खुद उनको मॉइस्चराइज कर सके, और स्पेशली विंटर सीजन में तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, और ड्राइनेस जन्म देती है रिंकल्स को, और साथ ही साथ ये आपकी लिप्स को सैग भी बनाती है, काला भी बनाती है। तो लिप्स का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी अपने लिप्स की दशा और दिशा सुधारना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप मामा अर्थ की विटामिन सी 100% नेचुरल लिप केयर किट का यूज़ करें। ये दिखने में एक ही प्रोडक्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। इस एक ही पैक में है लिप स्क्रब और लिप मास्क। दिखाऊं, बहुत ही मैजिकल सा प्रोडक्ट है ये, और मुझे इसकी पैकेजिंग स्पेशली बहुत बहुत पसंद आई है। आप देख सकते हो, दिस इज़ अ 2-in-1 बॉक्स। ऊपर वाली साइड आप देख रहे हो लिप स्क्रब है और नीचे वाली साइड है लिप मास्क। ये 2-in-1 प्रोडक्ट आपके लिप्स को प्लम्प बनाएगा, पिंक बनाएगा, ड्राइनेस दूर करेगा, और लिप्स के ऊपर जो पपड़ी सी जम जाती है कई लोगों की या चैप लिप्स हो जाते हैं उनको भी दूर करेगा। वेल, आपको बता दूं व्हाई यू शुड यूज इट, बिकॉज दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड लिप केयर किट। साथ ही साथ ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है और क्रुएल्टी फ्री है। ये जो लिप स्क्रब है इसके 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है लेमन एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को नेचुरली पिंक बनाता है और कोई भी पिगमेंटेशन हो रखी है लिप्स पर उसको दूर करता है। और साथ ही साथ इसमें है वॉलनट शेल। वॉलनट इज अ ग्रेट नेचुरल एक्सफोलिएटर, ये आपकी लिप्स पर जमा डेड सेल्स को रिमूव करता है और आपके लिप्स को सुपर सॉफ्ट बनाता है, प्लम्पी बनाता है। तो इस तरह से थोड़े से अमाउंट में आप लिप स्क्रब को अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे और जेंटली रब करेंगे। कुछ सेकंड्स रब करने के बाद आप टिश्यू पेपर या फिर टॉवल से वाइप ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद आपको लगाना है ये लिप मास्क। इसमें है शिया बटर जो कि आपके ड्राई एंड चैप लिप्स को हील करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और सन डैमेज से कई लोगों के होंठ काले पड़ जाते हैं तो सन डैमेज से भी आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा। इस लिप मास्क का दूसरा इंग्रेडिएंट है टर्मरिक ऑयल। टर्मरिक ऑयल भी आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है और पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करता है। तो ये देखिए, थोड़े से अमाउंट में लिप मास्क लिया और अपने लिप्स पर लगा लिया। प्रेफरेबली ये ट्रीटमेंट आप रात को करिए और सुबह आप देखेंगे कि आपके लिप्स बहुत ही प्लम्प हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे, ड्राइनेस सारी दूर हो जाएगी। You can apply this lip mask in the daytime also. तो है ना कमाल का प्रोडक्ट। वेल, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ अच्छे हैं इनके इनिशिएटिव्स, और मामा अर्थ का प्लान गुडनेस इनिशिएटिव मेरे दिल के बहुत करीब है। एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री ऑन देयर वेबसाइट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो प्रोडक्ट तो अच्छा मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप नेचर को भी कुछ दे रहे हैं। और मामा अर्थ ने अभी लॉन्च किया है अपना ऐप, तो मामा अर्थ ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को आप मामा अर्थ की वेबसाइट से, अमेजोन से, नायका से और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप इस प्रोडक्ट पर पाना चाहते हैं 20% डिस्काउंट, तो इसे मामा अर्थ की वेबसाइट से खरीदिए और मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए। मेरा कूपन कोड है पूजा 2022। सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब बात करते हैं हैंड योगा पोस्चर्स की। आपकी स्किन लंबे समय तक ग्लोइंग रहे, रिंकल्स ना आए, झुर्रियां ना आए, और स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस ना हो, उसके लिए 3 हैंड योगा पोस्चर्स मैं आपको बता रही हूँ। एक है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने लिटिल फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप के साथ इस तरह से टच करना है, बाकी फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, और इसे आप अपनी लैप पर रख दीजिए।
चार से पाँच मिनट के लिए ये मुद्रा बनाएंगे तो बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। वरुण मुद्रा आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करती है और आपकी स्किन वाटर से ही हाइड्रेट होती है, तो आपकी स्किन को पूरा हाइड्रेशन मिलेगा अगर आप वरुण मुद्रा बनाएंगे। हमारी जो स्किन है वो पृथ्वी तत्व से बनी है, तो अगर हम पृथ्वी मुद्रा बनाएंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये स्किन के लस्टर को बरकरार रखती है और स्किन पर झुर्री आने से रोकती है। पृथ्वी मुद्रा कैसे बनानी है, आप अपनी रिंग फिंगर को अपने थंब की टिप के साथ इस तरह से टच करेंगे, दोनों फिंगर्स की टिप टच होनी चाहिए और ये आपको अपने लैप पर रख देनी है। इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा ये पोज और ये भी आपको 5 मिनट के लिए करना है। थर्ड मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा भी बहुत बहुत अच्छी है आपकी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने रखने के लिए। आपको थंब को लिटिल फिंगर के बेस पर रखना है। आपको अपने नेवल पर रखनी है यानी कि नाभि पर रखना है। ये इस तरह से पोस्चर बना करके आपको नाभि पर रखना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये 3 मुद्राएं बनाइए और आपकी स्किन पर रिंकल्स झुर्रियां जल्दी से नहीं आएंगे, आपकी स्किन सैग नहीं करेगी और ब्लेमिशेस या फिर पिगमेंटेशन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।